अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर दानियल बर्डमैन एंड पिजन में आपको खुश आमदीद करते हैं। दोस्तों, हम लेकर आते हैं कबूतर की पहचान नस्ल बीमारी के मतलब ऐसी मालूमत जो आपको ना पहले पता हो और ना ही आपको इसके बारे में किसी ने बताया हो। तो दोस्तों, कबूतरों के गले के जो जहर बाद हो जाता है गलों में, उसके लिए आपके लिए एक बेहतरीन और कारामा का नुस्खा आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो नुस्खा सस्ता सा है, आपने कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी, तो इंशाल्लाह इससे आपका कबूतर 3-4 दिन में बेहतरीन रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों, नुस्खा कुछ इस तरीके से, आप फ्लाइजल की गोली या फ्लाइजल का एक टीका मिल जाता है बाजार से। ठीक है, अगर गोली मिल जाए तो उसका चौथा हिस्सा आपने कबूतर को सुबह दोपहर शाम में, मतलब 3 टाइम आपने उसको वो गोली देनी है, साथे पानी के साथ दे दें, दूध के साथ दे दें, और या अगर टीका मिले तो आपने 3 cc से 5 cc तक उसको वो टीका पिलाना है। ठीक है, 5 दिन तक, तो जिससे जी आपका कबूतर इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में रिकवर हो जाएगा। और जब आप ये उसको मेडिसिन दे रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि कबूतर को आप नरम गज़ा खाने को दें, मतलब रोटी के भोरे हो गए या पानी में चने मिक्स कर, पानी में चने भुगो के रख दिए रात को, तो वो सुबह के टाइम काफ़ी नरम हो जाता है, आप वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको नरम गज़ा देंगे तो इंशाल्लाह आपका परिंदा 3-4 दिन में रिकवर भी हो जाएगा, कमज़ोरी से भी बच जाएगा और आपका परिंदा इंशाल्लाह बेहतरीन तंदुरुस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा नुस्खा था कबूतर के जहरबाद के हवाले से। आजकल बहुत जहरबाद हो रहा है, काफ़ी दोस्तों के व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आते हैं कि जी हमारे कबूतरों के मुंह में ये देखें जी ये क्या हो गया, तो वो छोटे जो दाने बने होते हैं पीले पीले से रंग, तो वो जहरबाद होता है। कोशिश करें कि आप अपने परिंदों में, अपने कबूतरों के खुडों में ये जो है डीजल चला के रखा करें, ताकि आपके परिंदे इस बीमारी में मुबतला ही ना हो। तो इंशाल्लाह दोस्तों, आपके पास दोबारा फिर किसी नवी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के पास दुआओं में याद